ट्रिपल 03 उन्हीं की गाड़ी है, PV11 सी। ओ भाई क्या कर रहा है, आप नोटिस कर लेना मेरी वीडियो में, जिसके पास तेल रहेंगे ना वो बेचेंगे। अंकल बोल रहे हैं भाई रेस हो जाए तो आ जाओ अंकल जी। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है आपका बच्चे होंगे भाई। तो निकलने जा रहे हैं हम राइड के लिए, थोड़ा सा सड़क में भाई बाइक खड़ी रहती हैं तो काफ़ी गंदी हो जाती है यार, तो थोड़ा सा मार रहे हैं झाड़ू पोछा। तो अभी जा रहा हूँ भाई, अकेला ही जा रहा हूँ वहाँ राइड के लिए, थोड़ा सा घूम के आए, थोड़ा सा घूम के आए ना। तो लेट्स गो, बहन डर गई, बहन डर गई। तो भाई सुनने में आया कि पंजाब का पेट्रोल पंप फिर से बंद होने वाले हैं, तो यहाँ पे चेक करते हैं भाई पेट्रोल पंप बंद होने वाली प्रॉब्लम कुछ है कि नहीं। भाई क्या भीड़ लग रही है पेट्रोल पंप। तो भाई अभी अंकल से पूछ के आते हैं भाई पेट्रोल पंप का क्या सीन है, पेट्रोल पंप बंद होना है कि नहीं। भाई पेट्रोल डलवा लें भाई, गाड़ी में पेट्रोल है पर फिर भी और डलवा लेता हूँ। अच्छा क्या पेट्रोल पर भी सर है ही नहीं पेट्रोल, बंद होने लगा क्या? बंद नहीं है फिर, कब तक का? कितने दिन की हड़ताल है? 22 तारीख तक। 22 तारीख तक जिसके पास तेल रहेंगे ना वो बेचेंगे, जिसके पास नहीं होगा उसका खत्म। अच्छा आपके पास खत्म होने वाला है? नहीं नहीं अभी है तेल, अभी भी आई है। रात को आ जाओ, रात को तो खुला ही है। तो देख लो भाई क्या भीड़ लगी हुई है भाई, हम रात को डलवाएंगे पेट्रोल, 22 तारीख तक की हड़ताल है। तो भाई मैं बता देता हूँ आपको पेट्रोल पंप बंद क्यों होने वाले भाई, इसका रीज़न ये है कि आपको पता ही फिर से किसान आंदोलन शुरू होने वाला है, क्योंकि सरकार ने जो मांगे बोली थी ना पूरी करने के लिए तो वो उन्होंने रद्द कर दिया कि वो किसानों की मांगे पूरी नहीं करेंगे, तो फिर से आंदोलन शुरू होने वाला है किसान आंदोलन। तो दोस्तों हम हाईवे पर आ चुके हैं और हमारी गाड़ी बोल रही है भाई एक्सलेटर दे दे, तो हम दे रहे हैं भाई एक्सलेटर फुल, और हमारी गाड़ी सोच से ऊपर जा चुकी है। ओ भाई क्रेजी क्रेजी क्लोज बोली थी भाई, क्रेजी थी भाई, ये तो मज़ा आ गया भाई। हाईवे में मैं गाड़ी भगाता हूँ, गलियों में कभी नहीं भगाता भाई, कभी भी आप नोटिस कर लेना मेरी वीडियो में। ओ मज़ा आ रहा भाई। तो भाई आगे बिल्कुल खाली है, तो भाई गाड़ी की स्पीड चेक करते हैं कितनी स्पीड तक जाती है भाई, बिल्कुल खाली है आगे से एरिया भाई। 137, 138, 139 भाई, 139 139 से आगे नहीं गई यार। तो भाई आगे डिस्क आगे बसेस वगैरह आ चुकी है, तो धीरे चलते हैं भाई अभी।
ओ भाई क्या कर रहा है यार बंदा है भाई, तीसरी रो पे सीधा इधर आ गया यार। क्या भाई पीछे तो देख ले भाई, क्या कर रहा है भाई पागल सा। भाई गाड़ी मैं भी तेज चला रहा हूँ पर ऐसे नहीं चला रहा भाई, तीसरी रो से पहली रो पे, पहली रो से तीसरी रो पे, भाई सेकंड रो फर्स्ट रो पे हूँ भाई। क्या करते हैं लोग भी, थोड़ा देख के यार ऐसे ही मत की अगर भाई तीसरी रो से फर्स्ट, भाई पीछे वाला बंदा कंफ्यूज हो जाता है यार वो तीसरी जब सेकंड पे धीरे से चलो उसके बाद थर्ड पे, सीधा तीसरे फर्स्ट पे आ गया यार भाई। क्या बोलूँ, गुस्सा आ रहा उसके ऊपर। चलो छोड़ो भाई उसको, बोल के मैं अपना ही जुबान जल्दी करूँगा। तो पढ़ते हैं भाई अपना आगे राइड के लिए, और जल्दी ही हम अपनी लोकेशन में पहुंच जाएंगे। तो मैं बताता हूँ भाई मैं कहाँ पे जा रहा था राइड के लिए, तो यहाँ से बस कुछ ही देर का रास्ता है आगे, हम लोग अपनी लोकेशन में जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तो गाइस ये व्यू चेक करो भाई, कैसा कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यार इस समय का। शाम के 5:30 हो चुके हैं भाई, इतना प्यारा व्यू आ रहा है ना, कितनी शांति है ना भाई यहाँ पे। और हम लोग आए हैं यहाँ पे मच्छियों को आटा डालने के लिए, मच्छियों को भाई, फिशेस को भाई। हम लोग तो खाते हैं है ना, पर उनको खिलाने वाले हम ही है ना भाई, हम ही उनको कुछ ना कुछ देंगे खाने के लिए। तो आटा डालेंगे मच्छियों के लिए, मच्छियों के खाने के लिए। और इतनी शांति मिलती है ना भाई मुझे यहाँ पर, बहुत अच्छा फील होता है यार। अगर भाई हो आपको इस जगह, इस लोकेशन के बारे में पता है तो जल्दी कमेंट करके बताना भाई कौन सी लोकेशन है ये। और एक पीछे भाई फौजियों के टैंकर भी खड़े हुए हैं, और ये अपनी बाइक। ओ भाई देखो फोन आ रहा है, नो नो भाई मेरे पास कुछ है इनको देने के लिए। भाई वो तो भाग गए, तो ये है, ये लो। ओ नो नो, ओ लड़ना नहीं है, ओ ये ले भाई। वो ना लड़ना शुरू कर दिया, लड़ना नहीं है। ओ भाई लड़ाई करा भाई, वो खा गया सारा और लड़ते ही रह गए। भाई जा रहा हूँ मैं तो यहाँ से, बंदे ठीक है। भाई वो पीछे से सारा खा गई, दोनों रह के लड़ते ही, क्या बोले भैया। भाई कितना खराब कुत्ता है यार। No! भाई पका दिया यार इसको बेचारे, कितनी गलत बात है यार, कितने एक्सपेक्ट हो दूंगा इसको। तुम यहीं पर रहो,
भाई दूर दूर रह के खाओ, मात साथ में तुम्हारी बनती नहीं है क्या यार। खा ले बस खा ले। इतना अन्याय क्यों करते हो यार। तो भाई मैं जा रहा था मच्छियों को दाने डाल के, तो देखे कुत्ते हैं तो सोचा कुछ खाने को दे दूं, तो भाई ये तो दुश्मन है, एक थाली में कैसे खा लेंगे। तो अभी निकलते हम लोग, वो खा के भाग गया वो, देखो भाई चलाक। तो भाई एक तो मेरे को डर लग रहा था कि मेरे को काट ना ले ये लोग, ऊपर से भाई डरा रहे हैं मेरे को। एक तो मैं इनको खाने के लिए कुछ दे रहा हूँ, भाई ये खा ही नहीं सकते इकट्ठे कभी भी, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान कभी दोस्त नहीं बन सकते, इनका ये हिसाब है। तो निकलते अभी हम घर के लिए, यहाँ से मेरा घर है कम से कम भाई 20 किलोमीटर दूर, तो हम खींचते ही जाएंगे भाई बाइक की फिर से स्पीड से नाप के पूरी, है ना, खींच के भाई, मतलब समझ रहे हो नाप के 100+। तो भाई फ़ोन आ गया यार किसी का, तो चेक करता हूँ भाई किसका फ़ोन आ गया। तो वो खींचता हूँ भाई जब राइड के समय किसी का फ़ोन आता है, पर उठाना तो पड़ेगा ही अभी घर से ना हो कहीं। वाले ने इधर कर लिया एकदम से ही, बच के गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी तो हमने कर ली फिर भी साइड पे। और आराम से भाई आराम से चलेंगे थोड़ा सा अभी। अरे भाई ये क्या, ओ भाई चेक करो भाई, परमेश्वर वाली रूपी कौन जा रही है यार। अरे गाड़ी पे कौन है भाई, भाई परमेश्वर वर्मा का फ्रेंड लग रहा है भाई, परमेश्वर वर्मा खुद तो नहीं है यहाँ पे गाड़ी में भाई, वही है डिट्टो क्या भाई, उन्हीं की गाड़ी है भाई, नंबर चेक करें भाई 3003 उन्हीं की गाड़ी है, BB11C भाई, पटियाला की गाड़ी है, उन्हीं की गाड़ी है भाई, 26 इंची लोहे है भाई गाड़ी के, चेक करो यार क्रेजी लग रही है। अरे भाई खुश कर दिया गाड़ी को यार, गाड़ी को देख के तो दिल खुश हो गया भाई, ओ भाई क्या मस्त लग रही है गाड़ी, ओ भाई कंटेंट भी मिल गया एक तो गाड़ी को देख कर। तो भाई वो जा रही है उनकी गाड़ी भाई, जहाज है भाई वो जहाज है, क्या इतनी ऊंची गाड़ी भाई, ऊपर से 26 इंची अलॉय भाई, पूरे इंडिया में फर्स्ट है जिसमें 26 इंची अलॉय डले हुए हैं रूबिकॉन को, भाई एक ही है पूरे इंडिया में भाई, वो भी भाई ने अमेरिका से मंगवाए हैं भाई, मैंने ग्लव्स उतरवा दिए भाई, फ़ोन में वीडियो बनाऊँगा अभी फ़ोन में।
भाई मम्मी को दिखाऊंगा वीडियो, मम्मी पापा खुश हो जाएंगे परमिस वर्मा की रूबिकॉन देख कर। भाई भाई कब से सोच रहा था भाई को मिलने का, तो भाई आज भाई की गाड़ी दिखी तो जल्दी भाई हम लोग पटियाला जाएंगे भाई को मिलने के लिए, जब भी हमें पता लगे कि वो पटियाला में अपने घर में आ चुके हैं तो। ओ भाई क्रेजी क्रेजी लग रही है यार, क्रेजी क्या बोलूँ, जितना बोलूँगा उतना कम भाई, एक नंबर मस्त। भाई भाई भी गाड़ी से इशारा करे कि आराम से वीडियो बना लो, धीरे चलाओ बाइक। तो भाई अभी ग्लव्स डाल लूँ भाई, सोच रहा हूँ ग्लव्स डाल लूँ भाई, ग्लव्स के बिना ना गाड़ी भगाने का मज़ा नहीं आता ना, तो रूबिकॉन के जाए थोड़ी सी रेस हो जाए यार, एक तो मज़ा आ गया तो भाई गाड़ी भगाए भाई, ग्लव्स डालें आराम से साइड पर करके। तो ग्लव्स डाल लिए हैं भाई हमने, तो अभी थोड़ा खींच दें भाई घर के लिए, बहुत लेट हो चुका है भाई, अंधेरा हो जाएगा मेरे को लग रहा है भाई घर पहुंचते। तो लेट्स गो, थोड़ा राइड के मजे ले लो, अभी बहुत देख ली रूबिकॉन भाई, रूबिकॉन हम भी ले लेंगे, हमारा फ्यूचर है डोंट वरी, सारी जिंदगी KTM ही थोड़ी ना चलानी हमने, तो भाई थोड़ा राइड के मजे ले लो भाई, फुल स्पीड पे गाड़ी मारी, एक्सेलेटर वगैरह खींच दो भी, बहुत होगी रूबिकॉन से रेस। तो दोस्तों अंधेरा हो चुका है, वो अंकल बोल रहे हैं भाई रेस हो जाए, तो आ जाओ अंकल जी आ जाओ आगे मिलते हैं। तो भाई अंधेरा इतना हो चुका है, मैंने बोला था अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, अंधेरा हो चुका है, शाम के 7:30 बजने को आ चुके हैं, तो बस थोड़ा ही दूर पे है हमारा घर। तो भाई मेरे भाइयों, जिन जिन मेरे भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जल्दी से मेरे भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट भाई ज़रूर करके जाना है ना, बताना भाई परमीश भाई की गाड़ी कैसी लगी, और आप भाई जितने ज़्यादा कमेंट करोगे भाई मैं ज़रूर परमीश भाई के घर भी जाऊंगा, उनके साथ व्लॉग जरूर करूंगा भाई परमीश भाई के साथ। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग भाई जल्दी सून है ना, तो लेट्स गो।